नमस्कार, धर्म यात्रा में आपका स्वागत है। अवंतिकायाम भेतावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महम सुरेशम। आशुतोष भगवान महाकालेश्वर अपने भक्तों एवं संत जनों के उद्धार के लिए अवंतिका नगरी यानी उज्जैन में स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विराजित हैं। महाकाल शिव अकाल मृत्यु से भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जी हाँ, धर्म यात्रा की इस कड़ी में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के प्राचीनतम नगर उज्जैन की यात्रा पर। भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुण्य सलिला क्षिप्रा के निकट भगवान शिव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। इसकी गणना देश के प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंगों में की जाती है। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर श्री कृष्ण के पालक नंद बाबा की 8 पीढ़ी पूर्व का है। महाकालेश्वर को पृथ्वी का अधिपति भी माना जाता है। इस संबंध में एक श्लोक भी है। आकाशे तारकम लिंग पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंग त्रयम नमोस्तुते। इस मंदिर का पुनर्निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। वर्तमान मंदिर मराठा कालीन माना जाता है। इसका जीर्णोद्धार तत्कालीन सिंधिया राज के दीवान बाबा रामचंद्र शर्णवी ने करवाया था। ऐसी मान्यता है कि उज्जैनी का एक ही राजा है और वे हैं भूतभावन महाकालेश्वर। यही वजह है कि पुराने समय से ही कोई राजा उज्जैन में रात्रि के समय नहीं रुकता और न ही वह राजा की तरह महाकालेश्वर के दर्शन करता है। भगवान महाकालेश्वर जी इस अवंतिकापुरी के राजा है। इस पूरे पृथ्वी के अधिष्ठाता और इस पृथ्वी के स्वामी है। ये अखिल ब्रह्मांड 3 खंड में है। आकाशे ताड़का लिंगम पाताले हाटकेश्वर मृत्युलोके महाकाल लिंगम त्रैलोक नमस्ते। भगवान महाकालेश्वर जी ने काल को जीत रखा है, इसलिए इनका नाम महाकाल है। भगवान महाकालेश्वर जी के इस महाशिवलिंग पे नित्य भगवान को यहाँ प्रातः काल में गाय के गोबर की शुद्ध गोबर के कंडे की भस्म बनती है और भगवान को पंच मंत्र के अभिमंत्रित मंत्रों से अंगीकार कराई जाती है। महाकालेश्वर मंदिर एक विशाल परिसर में स्थित है जहाँ कई देवी देवताओं के छोटे बड़े मंदिर हैं। गर्भगृह में भगवान महाकालेश्वर का विशाल और एकमात्र दक्षिणमुखी शिवलिंग है और इसकी जलाधारी पूर्व की तरफ है, जबकि दूसरे शिवलिंगों की जलाधारी उत्तर की तरफ होती है। साथ ही महाकालेश्वर मंदिर के शिखर के ठीक ऊपर से कर्क रेखा भी गुजरती है, इसलिए इसे पृथ्वी का नाभि स्थल भी माना जाता है। ज्योतिष और तंत्र मंत्र की दृष्टि से भी महाकाल का विशेष महत्व माना गया है। साथ ही गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश व कार्तिकेय की मनमोहक प्रतिमाएं हैं। महाकाल मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है भोलेनाथ की भस्म आरती, जो प्रातः 4 से 6 बजे तक होती है। भगवान महाकालेश्वर की जो प्रातःकालीन आरती होती है वो भस्म आरती के नाम से जानी जाती है और ये प्रातः 4 बजे से प्रारंभ होती है और 6 बजे तक भस्म आरती होती है। मंदिर में अन्य आरतियां भी होती हैं जो समय समय पर प्रातः 10 बजे, सायं 7 बजे, इस तरह कुल 6 आरतियां होती हैं, 6 पूजन होते हैं। निःशक्त जनों के लिए भी हमारे समिति द्वारा व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। चिकित्सा सुविधा महाकालेश्वर मंदिर पूर्ण समिति द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। श्रद्धालुओं के लिए विशेष दर्शन सुविधा भी की गई है, जिसमें श्रद्धालु जिन्हें शीघ्रतापूर्वक दर्शन करना है वो 151 रुपये का शुल्क जमा कराकर विशेष दर्शन टिकट प्राप्त कर दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। गर्भगृह में नंदी दीप भी स्थापित है जो सदैव प्रज्वलित रहता है। गर्भगृह के सामने विशाल कक्ष में नंदी की प्रतिमा स्थापित है। इस कक्ष में बैठकर हजारों श्रद्धालु शिव आराधना का पुण्य लाभ लेते हैं। मंदिर परिसर में ही एक विशाल कुंड है जिसे कोटि तीर्थ के नाम से जाना जाता है। महाकालेश्वर परिसर में कई दर्शनीय मंदिर हैं। इनमें नागचंद्रेश्वर मंदिर वर्ष में एक बार नाग पंचमी के दिन ही श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोला जाता है।
यूं तो महाकाल मंदिर में वर्ष भर उत्सव का ही माहौल रहता है, लेकिन श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को राजाधिराज महाकाल की विशेष सवारी निकलती है, जब महाकालेश्वर नगर भ्रमण कर नगरवासियों को दर्शन देते हैं। फाल्गुन कृष्ण पंचमी या षष्ठी से महाशिवरात्रि तक शिव नवरात्रि के दौरान महाकाल का विशेष श्रृंगार किया जाता है और विभिन्न धार्मिक आयोजन होते हैं। तो यह थी भूत भवन महाकालेश्वर पर हमारी विशेष प्रस्तुति। वैसे जटाधारी भगवान शिव की महिमा शब्दों से परे है, लेकिन हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।